प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों पर अवैध कब्जा। आपको बता दें, अंधेरी नगरी चौपट राजा टाका शेर भाजी टाका शेर खाजा। जी हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात और मुरादाबाद के मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की गरीबों के लिए बनाए गए आशियानों की, जो प्रदेश की ऐसी गरीब जनता के लिए बनाए गए हैं जिनके पास आशियाना नहीं है। नया मुरादाबाद थाना मजूला के पीछे प्राधिकरण द्वारा बनाए गए इन भवनों में इन दिनों ऐसे लोगों का निवास है जिनका कोई पता ठिकाना ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली रोड थाना मजूला के पीछे प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं। मेरा नाम रजनी है। रजनी जी, कौन सी कॉलोनी जा रहे थे? हम यहाँ रहते हैं, रहने किसी को देता नहीं है। सौ नंबर वाला नाम इसका पुलवारा नहीं, गुलसवारा नहीं है, कुत्ता बनता है। ये हर औरत के साथ साथ में बदतमीजी करता है, कहता है कपड़े दोगी लत्ते दोगी मेरे तो साथ यहाँ रह सकती है, और नहीं रहेंगी मेरे साथ में गुंडा कर सकती है तो नीचे साथ सकती है, और नहीं मैं रहने दूंगा। कितने कमरे घेर रखे हैं इसने? 6 कमरे घेर रखे हैं, सब में दो मुर्गी पल रही है, 2 कमरे इसके इधर रखे हैं, 1 कमरे एक 6 कमरे घेर रखे हैं। हर कहीं से बदतमीज बोलता है, सबको होता है, गलत निगाह से देखता है। अच्छा, आपने कभी शिकायत करी इसको लेकर के? हम गए थे, हमारी किसी ने शिकायत सुनाई नहीं। नाम है आपका? संतोष। संतोष जी कहाँ पे रहती हैं आप? यही रहते हैं, इसी कॉलोनी में रहते हैं। क्या मामला है आपके साथ? ये मामला ये 100 नंबर वाला है जो वर्दी पहने हुए है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? कुलदीप। दिलीप कुमार। दिलीप, दिलीप कुमार नाम है इसका। ये लेडीजों से बदतमीजी करता है, उल्टा सीधा बोलता है। अगर इससे कहो कि हाँ ये बात नहीं है तो उल्टा सीधा बोल कर 6-6 कमरे घेर रखे हैं इसने। एक में मुर्गी पाल रहा है, एक में कुछ कर रहा है, 2-2 फ्रिज चला रहा है, और हीटर वीटर सब चला हुआ है। ये नंबर 2 की लाइट जला रहा है, और लेडीजों पर अत्याचार कर रहा है, और इसी ने ही सबके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई है। आप लोग क्या चाहते हो? इसका कमरा खाली हो जाए, और हम यहाँ से जब जाएंगे, जब हमें हमारा कोई रहने की व्यवस्था हो जाएगी। हम हैं गरीब लोग। ठीक, क्या नाम है आपका? आशा। आशा जी, कौन सी कॉलोनी जहाँ रहते हैं आप? मैं रहती हूँ MDA कॉलोनी। वो परेशान करता है, मुझसे क्या कपड़े। अच्छा, इस टाइम आप किससे कमरे के आगे खड़ी हो? कौन रहते हैं? कौन है ये? सुदीप कुमार, सोनम वाला। पुलिस में है? पुलिस में है, ड्राइवर है। 4 कमरे घेर रखे उन्होंने। मुर्गी पल रही है ऊपर, वो गुस्से करता है, कपड़े धो। सरकारी कमरों में मुर्गी भर रही है। पीछे कमरे से आ जा, चाय पिलाऊंगा तो ऐसे करता है, ऐसे करूंगा तेरे सामने, ऐसे करूंगा। आप लोग क्या चाहते हो? इसका कमरा नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं हम गरीब लोग घर जाए, घर जाए। अच्छा, MD के लोग आते हैं तो कुछ कहते नहीं? ऊंचा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रानी है। रानी जी कहाँ पे रहती है, क्या मामला है? सर मैं यहाँ सेक्टर B में रहती हूँ, तो यहाँ पे मतलब हम 1 महीना हुआ है, खैर हमें आए, और काफी लोग बहुत साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पे ये पुलिस वाले हैं जो दीपक, इनका नाम वो है कुलदीप नाम है इनका, तो ये चाहते हैं कि सभी लेडीज मतलब मेरे उसमें रहें, अंडर में रहें, मेरे कपड़े धोएं, मेरा खाना बनाएं, और पलकन मेरे पास में भी बिस्तर पर आकर सोएं। इनका मतलब ये है, इन्होंने कंप्लेंट ये दी है कि ये खाली यहाँ से हम अगर नहीं करोगे तो हम खाली करवा देंगे। अच्छा, मकान आपको अलाउड हुए हैं या नहीं? अलाउड नहीं है सर, ये लॉकडाउन की वजह से, एक तो कोरोना का वो चल गया है ज्यादा ही, अब इसकी वजह से मतलब कौन कहाँ जाएगा, कोई कमरा देने के लिए राजी नहीं है। मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं, सभी लोग औरतें मजदूरी करती हैं, तो ये आज की डेट में ये लोग जो आए हैं ये कह रहे हैं अभी या तो अपना सामान खाली करो, फेंक देंगे हम तुम्हारा सामान निकाल के। ठीक है, इस तरीका से थोड़ा होता है, टाइम दिया जाता है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पे अगर अलॉटमेंट किसी का है तो हम उसे खाली करके दूसरे में चले जाएंगे। ये पूरा अलॉटमेंट नहीं है, कुछ ही है, तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि मतलब आप यहाँ से जाइए, कहीं भी जाइए, इनका मतलब ये। हम ये चाहते हैं कि हमारी इस उसमें बिने में सुनवाई हो, ठीक, क्योंकि हमारे पास मकान भी नहीं है, कहीं जगह भी नहीं है, अब हम एक साथ कहाँ से जाएंगे, हम यहाँ से मतलब हटना नहीं चाह रहे। और हम धीरे धीरे अगर हो सके हम अलॉटमेंट करवा भी लें यहाँ पे 1-2 महीना में, बस यही वो है हमारी हमारी ये सुनवाई जाए हो, और बस, और वो हम कुछ कहना नहीं चाहते। अभी मेरी संज्ञान में आया है, VC मैम ने भी आदेश दिया है कि ऐसे 16 सेक्टर 16 में EWS मकान में कुछ अनाधिकृत लोगों के रहने और प्राधिकरण का कुछ सामान चोरी कर लेने की शिकायत प्राप्त हुई है, और मैं 3 दिन के अंदर उसको सारा ही छटवा रहा हूँ कि कौन लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं। मैं जाके खुद भी स्पॉट इंस्पेक्शन करूँगा, और जो भी वहाँ पे अनाधिकृत रूप से लोग निवास कर रहे हैं उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जिन्होंने भी प्राधिकरण के संपत्ति का नुकसान किया है
उनके सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई। फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शुद्ध व शाकाहारी भोजन, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा उपलब्ध। पार्किंग स्पेशल व फैमिली के बैठने की अच्छी व्यवस्था। हमारा पता, कोटवाल इंजीनियर कॉलेज, कांट रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 9899555123।